हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है मूव जीरोस। पहले पढ़ लेते हैं कि यह क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। गिवन एन एरे नम्स, राइट अ फंक्शन टू मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ इट वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसमें हमारे पास दो टाइप की वैल्यू है, एक जीरो है और दूसरी नॉन जीरो वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमें सारी जीरो वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर देना है, मतलब सारी जीरो वैल्यूज़ को हमें लास्ट में लेके जाना है, और सारी ही जो भी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं उनको हमें लेफ्ट में अलाइन करना है, मतलब स्टार्टिंग में रखना है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इन नॉन जीरो एलिमेंट्स की रिलेटिव ऑर्डरिंग है वो सेम रहे। मतलब कि अगर वन जो है इनपुट एरे में थ्री से पहले आ रहा है तो आउटपुट एरे में भी वन थ्री से पहले ही आएगा, और थ्री अगर ट्वेल्व से पहले आ रहा है तो आउटपुट में भी थ्री ट्वेल्व से पहले ही आएगा। सो गाइज, हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक राइट पॉइंटर और एक लेफ्ट पॉइंटर। राइट पॉइंटर हमारे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए है, और लेफ्ट पॉइंटर हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेफ्ट में अलाइन करने के लिए है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो राइट पॉइंटर है वो एरे को ट्रेवर्स करेगा, और लेफ्ट पॉइंटर जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज़ को लेफ्ट की तरफ अलाइन करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी एल्गोरिथम कहती क्या है। अगर जो हमारा जो राइट पॉइंटर है जो ट्रेवर्स कर रहा है एरे को, अगर वो हमारा जीरो पे पॉइंट करेगा, जीरो वैल्यू पे, तो उस पे उस इंडेक्स पे उसे कोई काम नहीं करना, वो सिंपली इंक्रीमेंट कर जाएगा। अगर जहाँ पर आर है वहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो उसे तो जो वैल्यू आर पे है वो अपनी वैल्यू जो एल की वैल्यू से स्वैप कर लेगा। मतलब आर पे जो वैल्यू है वो वन है और एल पे ज़ीरो है, तो आर की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, आर पे ज़ीरो आ जाएगा और लेफ्ट पे वन आ जाएगा। अब इस स्वैप के बाद हमारा आर पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा और साथ ही में लेफ्ट पॉइंटर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आर फिर से ज़ीरो वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, तो हमें इस वाले इंडेक्स को स्किप करना है। इस पे सिर्फ आर इंक्रीमेंट होगा, एल इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब फिर से आर ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है तो आर आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आर जो है वो नॉन जीरो वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू लेफ्ट पॉइंटर से स्वैप हो जाएगी। लेफ्ट पे ज़ीरो है, आर पे थ्री है, तो लेफ्ट पे हो जाएगा थ्री। अब हमारी दोनों वैल्यूज, आर वैल्यू भी और एल वैल्यू भी, आगे इंक्रीमेंट होंगी। जब नॉन जीरो वैल्यू होंगी तब दोनों वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और जब जीरो वैल्यू होगी तब सिर्फ आर पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा। अब आर फिर से नॉन जीरो वैल्यू पे है तो ये वैल्यू स्वैप हो जाएगी। यहाँ पर ज़ीरो आ गया, यहाँ पर मतलब लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट पे ज़ीरो था और यहाँ पर आर की वैल्यू, और अब दोनों वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी। अब आर जो है वो हमारे लूप के बाहर जा चुका है, इसका मतलब अब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जब आर लूप से बाहर जा चुका है तो जो हमारा एरे था इनपुट एरे और जो मैं डिज़ायर्ड आउटपुट एरे था हमारे पास आ चुका है। हमारी सारी नॉन जीरो वैल्यू लेफ्ट में आ गई और सारी जीरो वैल्यू एंड में आ गई, और हमारा रिलेटिव ऑर्डर भी सेम रहा। ऊपर भी 1312 था इनपुट एरे में और आउटपुट एरे में भी 1312 ही था। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो अब मैं एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ जो मेरा जीरोथ इंडेक्स से पॉइंट करेगा। इसको मैं लेफ्ट इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता हूँ, और मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर इंट आर राइट पॉइंटर, जो राइट पॉइंटर था उसको जीरो से लेके राइट लेस देन नम्स डॉट साइज, मतलब ये एरे की लेंथ तक जाएगा, राइट प्लस प्लस। अगर तो एरे के आईएथ पोजीशन पे, मतलब राइट पोजीशन पे, सॉरी एआरआर नहीं है ये नम्स, अगर नम्स की राइट पोजीशन पे वैल्यू डबल इक्वलेंट टू जीरो है तो कुछ नहीं करना, सीधा हमें कंटिन्यू कर देना है, उस इंडेक्स को स्किप कर देना है। एल्स मतलब जो जीरो वैल्यू नहीं है तो हमें स्वैप करना है हमें नम्स ऑफ राइट को कॉमन नम्स ऑफ लेफ्ट को। हमने लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू राइट इंडेक्स की वैल्यू को स्वैप कर दिया, और इसके बाद हमें लेफ्ट प्लस प्लस भी करना है और राइट प्लस प्लस भी करना है। लेफ्ट प्लस प्लस तो हमने खुद कर दिया, लेकिन राइट प्लस प्लस ये लूप अपने आप ही कर देगा, और एंड में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें रिटर्न कर देना है। एक बार हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं।
सो ये कोड एक्सेप्ट हो रहा है, अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। सो गाइज ये पूरा कोड एक्सेप्ट हो चुका है और इसका एक्सेप्टेंस रेशो भी बहुत अच्छा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।